पुतिन के साथ इस वक्त कौन कौन खड़ा है वो देश इस मैप के जरिए भी देखिए कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस वक्त रूस के साथ खड़े हैं। देखिए आप ऊपर से शुरू करें, तजाकिस्तान नजर आ रहा है, वहां पर किर्गिस्तान नजर आ रहा है, आर्मेनिया, ईरान है, बेलारूस तो पहले ही साथ में युद्ध के मैदान में भी है, और चीन भी सपोर्ट कर रहा है, भले ही उसने वोटिंग से एब्सटेन किया हो लेकिन वो सपोर्ट में नजर आ रहा है, नॉर्थ कोरिया नजर आ रहा है। इसमें ज्यादातर वही देश हैं जिनसे उम्मीद यही थी कि वो रूस के साथ खड़े होंगे। सर देखिए, चार देशों ने उनको सपोर्ट किया, रशिया को, सर्बिया, बेलारूस, सर्बिया, एरिट्रिया और इधर नॉर्थ कोरिया। बाकी 35 देशों ने, जिसमें साउथ एशिया के कई देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान और ऊपर चाइना भी शामिल, सबने एब्सटेन किया है। एब्सटेन करने के कारण अलग अलग हैं, अपनी अपनी देशित और अपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, आपने साउथ एशिया का जिक्र किया, मैं क्वेश्चन काफी देर से करना चाह रहा था, पाकिस्तान के साइलेंस को, पाकिस्तान की प्रेजेंस को कैसे देख रहे हैं आप? जब ये सब चल रहा था तो इमरान मॉस्को में थे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो एब्सटेन कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की हालत और पाकिस्तान मॉस्को, इमरान खान नियाजी साहब मॉस्को क्यों गए और उसको फोटो ऑपरेशन हुआ अमेरिका को चढ़ाने के लिए हुआ, और उनकी सेंट्रल एशिया से नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की चर्चा के लिए हुआ, जो वहां पर संधियां, अग्रीमेंट, समझौते साइन किए गए, उसके लिए नियाजी साहब को जाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ कपिल कुमार सर जोड़ना चाह रहे हैं, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा दो सवाल है। पहला, यूएनएससी बार बार वहां पर वोटिंग करवा रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे वहां से गायब हैं, यानी उसमें हिस्सा नहीं ले रहे, जो देश गायब है जो हिस्सा नहीं ले रहे, क्या उन्हें रूस के साथ माना जाए? और इसके बाद फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा। और सर पाकिस्तान वाला भी आप जोड़िएगा, पाकिस्तान वाला जवाब आपको दे दूं, मुझे तो लगता है इमरान खान वहां दो कारणों से गए। एक तो गए होंगे पूछने के, क्या तुम्हारे इस झगड़े का फायदा उठा के मैं कश्मीर ले लूं, जो उनकी हमेशा डिमांड रहती है, उनकी हैसियत है इतनी बड़ी। सुनिए ना भाई, उनकी हैसियत तो क्या है, वो तो जिहादी मेंटेलिटी है ना। और दूसरा के पूछने गए होंगे कि गधे खरीदोगे मेरे से? ठीक है सर, सर इस जवाब को और विस्तार से समझेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, एक अपडेट मिल रही है, वो बता देते हैं। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी आर्मी के वाहन देखने को मिले, मेलिटोपोल में बड़ी संख्या में रूसी सेना के वाहन दिखे, तो रूसी सैनिकों की जो गाड़ियां, जो वाहन है, वो लगातार मेलिटोपोल शहर में नजर आ रहे। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे, सिटी के अंदर की तस्वीरें है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब मेलिटोपोल सिटी के अंदर तक दाखिल हो चुकी है रशियन आर्मी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।